फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सावन के चौथे सोमवार का एक स्पेशल भोग। परफेक्ट बेसन का हलवा बनाने के लिए आप एक कटोरी या कप कुछ भी सेट कर लें, उस हिसाब से मेजरमेंट लेंगे तो आपका हलवा भी बहुत परफेक्ट बनेगा। हमने एक कटोरी सेट कर ली, एक कटोरी बेसन लिया है हमने, 3/4 कटोरी शुगर लिया। शुगर आप अपने हिसाब से, मीठा जैसा भी खाते हैं कम ज़्यादा, अगर कम खाते हैं तो आधी कटोरी कर दें, और अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बेसन के हिसाब से आप एक कटोरी शक्कर भी ले सकते हैं। आधी कटोरी हमने घी लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और हलवे को दानेदार बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच हमने सूजी लिए। सबसे पहले हम शक्कर को, चाशनी चाहिए सिर्फ शक्कर घुलने तक पकाएंगे, तो हमने शक्कर डाल दी इसमें। 3/4 में हम 2 कटोरी पानी डाल रहे हैं, और इसको हम गैस पर रख देंगे और सिर्फ शक्कर घुल जाए इतनी देर इसको पकाएंगे। ये शक्कर घुल रही है, इसको ऐसे ही चलाते रहें, कोई चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ घुले इतनी देर इसको चला। और इसमें हम इलायची डाल रहे हैं, 2-3 बीजे इलायची की, ये इसी में हो जाएंगे। अब हमने ये कढ़ाई रख ली, उसमें हम ये घी डाल लेंगे, 2 चम्मच घी हम बचा लेंगे बाद के लिए। घी गर्म हो गया, इसमें हम ये डाल देंगे बेसन। फ्लेम को लो कर लेंगे, बेसन को हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। शक्कर पूरी तरह घुल गई, अब गैस को बंद कर देंगे, हमें चाशनी नहीं चाहिए, इसको साइड में रख देंगे। बेसन को लो फ्लेम पे भूनते रहें, और बीच में ये 2 से 3 चम्मच हम सूजी डाल रहे हैं, जिससे हलवा दानेदार होगा। और अभी आपको ये बहुत ड्राई लग रहा होगा, पर जैसे जैसे हम इसको सेकते जाएंगे, ये इसमें से घी रिलीज होने लगेगा। बेसन देखिए, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये हमने थोड़ा सा दूध रखा था, इसमें हमने येलो कलर डाला है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। दूध डालेंगे 2 चम्मच, तो ये हमारा टेस्ट इसका हलवे का दोगुना हो जाएगा। ये 2 से 3 चम्मच हम इसमें दूध डाल रहे हैं, हमने इसमें थोड़ा सा कलर डाल लिया है येलो कलर, आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं भिगो के। देखिए आप डाल के देखें, 2 से 3 चम्मच दूध, हलवे का टेस्ट भी दोगुना हो जाएगा, और ये थोड़ा कम्प्लीट भी हो जाएगा। बेसन अच्छे से सीख चुका है, अब इसमें हम ये जो हमने पानी बना के रखा था शक्कर वाला, वो थोड़ा थोड़ा डाल के जाएंगे। इकट्ठा ना डालें, थोड़ा डालें फिर मिला लें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के और मिलाते हैं। अभी आपको बहुत गीला लगेगा, पर जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे, बेसन बहुत जल्दी पानी सोख लेता है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। एक कटोरी बेसन से देखिए इतना सारा हलवा हो गया है, और पानी भी आपको ज़्यादा लग रहा था उस टाइम, अब ये परफेक्ट माप है। अगर आपको सूखा हलवा पसंद है तो आप पानी की मात्रा कम कर दें। एक कटोरी बेसन में हमने 2 कटोरी से पानी डाला था, क्योंकि ये ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अब जो हमने घी बचा के रखा था वो हम सारा इसमें डाल देंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालने, तो ये काजू और बादाम मिला लेंगे सभी को। तो ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा गाढ़ा होता जाएगा हलवा, थोड़ा रसीला और थोड़ा गीला ही अच्छा लगता है। ये हलवा बनके एकदम तैयार है, देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है, और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। क्योंकि तो इस सोमवार आप भी शंकर भगवान को बेसन के हलवे का भोग लगाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।